बिहार में जिस तरह शादी का भोज होता है उसी प्रकार छपरा सिवान में अब परीक्षा भी हो रहा है। जी हाँ, बता दें कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2023-27 का एग्जाम जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में 25 जुलाई से प्रारंभ है। विश्वविद्यालय के गलती के वजह से बहुत से परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं का परीक्षा छूट रहा है। इसका मुख्य कारण है कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा 3-3 परीक्षा रूटीन जारी किया गया, जिससे छात्र छात्राओं को भारी कंफ्यूजन हुआ, जिसके कारण अधिकतर छात्राओं का परीक्षा छूट रहा है। आज तो हद हो ही गया, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जैसे सामूहिक भोज होते हैं उसी तरह से परीक्षा का आयोजन टेंट समियाना टेबल पर लिया गया। सबसे दुखदायी ये है कि परीक्षा की सुचिता का तार तार करने में परीक्षा के केंद्रों अधीक्षक स्वयं शामिल थे। फोटो एवं वीडियो उन्होंने शूट करवाया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जबकि सब कोई जानता है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग किसी को नहीं करना है। फोटो में क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि वो स्वयं मोबाइल चला रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रमेंद्र वाजपेयी जब से आए हैं तब से उनकी तीसरी परीक्षा है। पहले स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया। स्नातकोत्तर सेमेस्टर छात्र छात्राओं को चोरी कराते शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ। अब ये तीसरी परीक्षा हो रही है जिसमें परीक्षा की सारी शुचिता गायब हो चुकी है। खुलेआम चोरी हो रही है, एक दूसरे से छात्र छात्राएं देख कर लिख रहे हैं। अगर ज़्यादा संख्या थी तो यहाँ परीक्षा केंद्र क्यों बनाए गए? इससे पहले जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कंट्रोलर ने क्यों नहीं वस्तु स्थिति केंद्र बनाने के पहले जांच किया? इस तरीके की परीक्षा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में 10 वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। बता दें कि ऐसी परीक्षा आरपी शर्मा के समय जब वह कुलपति थे तो एक बार ऐसी परीक्षा हुई थी। बीच में परीक्षा का आयोजन पूरी तरह से साफ तरीके से हो रही थी, पुनः इसी दिशा में परीक्षा का आयोजन होने लगे हैं। छात्र संगठन छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रशांत बजरंगी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा नियंत्रक तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इससे जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की गरिमा गिरी है। सुशासन के सरकार में ये सब नहीं हो सकता है, इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक केंद्र अधीक्षक को तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि केंद्र अधीक्षक कुलपति के जाति के हैं, उनके जाति के लोगों को 100 गुना माफ है। इस सभी मुद्दे को लेकर सरकार को अवगत कराया जाएगा। दोषी व्यक्तियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार विवाह भोज के जैसे परीक्षा हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है।